केसी जी के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आओ बच्चों, आज एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है। क्या लगता है? बोर्ड मास का। देखो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी फोर हो गया ब्रैकेट, ओ फोर हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब होगा का की के, इसका मतलब होता है गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है। डी फोर होता है डिवीजन का मतलब होता है भाग, डिवाइड भी बोला जाता है इसे। एम फोर होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माने होता है गुणा, ठीक है। ए फोर होता है कि एड, एड माने होता है जोड़। एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माने होता है घटा। तो बोर्ड मास का नियम जो यूज होता है, सबसे पहले हम कोई भी अगर समीकरण आएगी तो उसे क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, भाग से बाद गुणा, गुणा से बाद जोड़, जोड़ से बाद घटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कोई भी समीकरण आएगी तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, भाग, भाग से बाद मुझे क्या करनी है गुणा, गुणा से बाद मुझे क्या करना है जोड़, जोड़ से बाद मुझे क्या करना है घटा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है टाइप फर्स्ट में क्या कह रहा है, वास्तविक चिन्ह को रखकर समीकरण का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इस कह रहा है समीकरण इसमें क्या दे रखी है, 18q 12p 4r 5s 6 बराबर क्या आएगा। तो इसमें q का मतलब क्या है भाई, q का अर्थ दे रखा है, q का अर्थ है गुणा, तो 18 गुणा 12। p का अर्थ इसमें क्या दे रखा है, p का अर्थ है इसमें भाग, p का अर्थ क्या है इसमें भाग। r का अर्थ क्या दे रखा है, r का अर्थ है इसमें प्लस, r का अर्थ इसमें क्या दे रखा है प्लस। s का अर्थ क्या दे रखा है, s का अर्थ है इसमें माइनस, बराबर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इस समीकरण में क्या करेंगे, भाग, भाग से बाद गुणा, गुणा से बाद जोड़, जोड़ से बाद क्या करेंगे हम घटा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं भाग करूंगा, तो भाई कहने का मतलब 12 को मैं किससे भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा, तो 4 3 12। भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने क्या करा, भाग, क्या करा भाग, भाग से बाद मैं क्या करूंगा गुणा, गुणा से बाद मैं क्या करूंगा जोड़, जोड़ से बाद मैं क्या करूंगा घटा। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या करा, भाग कर दिया। भाग किसे करा, 12 को मैंने 4 से भाग करा, मुझे कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो भाई उससे बाद मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा, तो समीकरण हमें क्या प्राप्त होगी, 18 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 6 बराबर क्या आएगा। भाई भाग मैंने क्या कर दिया, भाग हल कर दिया, भाग से बाद क्या करूंगा मैं गुणा करूंगा। भाई 18 3 कितने होते हैं 54, 18 3 54, 54 प्लस 5 माइनस 6 बराबर क्या आएगा। 54 और 5 कितने हो गए 59, कितने हो गए 54 और 5 हो गए 59, 59 में से मैं क्या घटाऊंगा 6, जब 59 में से 6 घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा 53 प्राप्त होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया 53 आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया 53। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है 53। क्वेश्चन नंबर दो देखो, क्वेश्चन नंबर दो में क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है प्लस, तो नो प्लस। भाई प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग दे रखा है। फिर कह रहे हैं आप भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा 4। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस 8। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है माइनस, बराबर क्या आएगा। जब समीकरण में सोल्व करूंगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा, भाग, मुझे क्या देना है भाग। जब भाग दूंगा तो कहने का मतलब 9 को मुझे किससे भाग देनी है, 3 से भाग देनी है, 3 3 9, 4 3 12, 12 और 8 20, 20 में से मैं 2 घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा 18 प्राप्त होगा, मुझे क्या प्राप्त होगा 18। दूसरे वाले सवाल का आंसर क्या होगा 18 होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर तीन तुम्हारी उसमें भी हार्ड कॉपी में भी यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है भाग और डी का अर्थ है माइनस। तो भाई मुझे समीकरण सोल्व करनी है, तो 20, ए का मतलब क्या दे रखा, ए का अर्थ दे रखा प्लस, 20 प्लस 10। भाई बी का अर्थ क्या दे रखा, बी का अर्थ है गुणा, गुणा 45, ठीक है। सी का अर्थ क्या दे रखा है, सी का अर्थ है भाग, भाग कितना दे रखा है 5। डी का अर्थ क्या दे रखा है, डी का अर्थ है माइनस, माइनस क्या हो गया 12, बराबर क्या आएगा। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या देंगे, भाग। तो भाई कहने का मतलब 45 को मुझे किससे भाग देनी है, 5 से भाग देनी है, 5 9 45,
ठीक है, भाग से बाद में क्या करूंगा गुणा, जब गुणा करूंगा 10 की गुणा में 9 से करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा 90। ठीक है, कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे 90। भाई भाग करी मैंने, भाग से बाद मुझे क्या करा गुणा, गुणा से बाद में क्या करूंगा जोड़, जब जोड़ करूंगा तो 20 और 90 में जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110। उससे बाद भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्शन घटा करूंगा, तो 110 में से मुझे क्या घटाना 12 घटाना, जब 110 में से मैं 12 घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 98। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 98 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, जहां 4CA लिख रहा है तो A के स्थान पर मुझे क्या करना है 4 करना है। ठीक है, ये एरर है। तो अब इसमें क्या दे रखा है, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, और सी का अर्थ क्या दे रखा है गुणा दे रखा है। तो भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर इसे मैं सोल्व करूंगा तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बी ओ डी एम ए एस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें ब्रैकेट सोल्व करता हूं, ब्रैकेट से बाद क्या करता हूं ऑफ, कहीं का लिखवाया जाए तो उसका मतलब क्या होता है गुणा मल्टीप्लाई। उससे बाद D4 क्या हो गया, डिवाइड, डिवाइड माने क्या हो गया भाग, M4 हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माने क्या हो गया गुणा, A4 हो गया एड, एड माने क्या हो गया जोड़, जोड़ से बाद क्या हो गया S4, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माने क्या हो गया घटा। तो भाई हम ऊपर से कहां चलते हैं, नीचे चलते हैं। सबसे पहले C का मतलब क्या दे रखा है, यहां C का अर्थ दे रखा है गुणा, तो भाई C के स्थान पर क्या लगा दूंगा मैं गुणा का सिग्न लगा दूंगा। भाई A का मतलब क्या दे रखा है, A का मतलब दे रखा है प्लस, और C का मतलब क्या दे रखा है गुणा, B का अर्थ क्या दे रखा है, B का अर्थ दे रखा है माइनस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ब्रैकेट सोल्व करूंगा, जब ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो कहेंगे 10 की गुणा मैं 4 से करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा 40 प्राप्त होगा प्लस। ठीक है, यहां भी मैं ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो 4 चौक कितना हो गया मुझे 16 प्राप्त हो गया माइनस 6, 40 और 16 में जोड़ूंगा तो मुझे कितने प्राप्त होंगे 56, कितने प्राप्त हो गए 56, 56 में से मैं क्या घटाऊंगा 6 घटाऊंगा, 56 में से सॉरी मुझे क्या घटाना 6 घटाना, जब 56 में से मैं 6 घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा 50 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 50 प्राप्त। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया बी आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर क्या हो गया बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहे हो, कह रहे हैं कि ए का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है प्लस, के का अर्थ है भाग, और एन का अर्थ क्या है माइनस। तो भाई इसी अकॉर्डिंग मुझे क्या है समीकरण सोल्व करनी है, तो 20 डी, डी का अर्थ क्या दे रखा है, डी का अर्थ दे रखा है प्लस, 20 प्लस क्या दे रखा है 15, भाई ए का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, 15 गुणा क्या हो गया 6, एन का अर्थ क्या दे रखा है माइनस, एन का अर्थ क्या दे रखा है माइनस 13, ए का अर्थ क्या दे रखा है, ए का अर्थ दे रखा है गुणा, गुणा 4। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाग, भाग से बाद गुणा, भाग का सिग्न इस समीकरण में कहीं नहीं दे रखा तो मैं सबसे पहले सोल्व क्या करूंगा गुणा, जब गुणा करूंगा तो कहने का मतलब 15 की गुणा में 6 से करूंगा तो 15 छक्का कितने होते हैं 90, कितने हो गए 90, और 13 चौका कितने हो गए 52, 13 चौका 52। तो समीकरण मुझे प्राप्त होगी 20 प्लस 90 माइनस कितना हो गया 52, अगर 20 और 90 को मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा भाई, 20 और 90 को मैं जोड़ूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 110, 110 में से मुझे क्या घटाने 52 घटाना, जब मुझे 52 घटाना तो मुझे क्या प्राप्त होगा 58 प्राप्त होगा, 58 प्राप्त होगा मुझे, क्या प्राप्त होगा 58। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है कि गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस। तो भाई इसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या है ये सिग्न क्या करने है? इनसे रिप्लेस करके और समीकरण क्या करना मुझे सोल्व करनी है। तो भाई यहां माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करूंगा भाई, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है गुणा दे रखा है। भाई भाग का अर्थ क्या दे रखा है, वो कह रहा है भाग का अर्थ दे रखा है प्लस, भाग का अर्थ क्या है प्लस। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है भाग, प्लस का अर्थ दे रखा है भाग। और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ दे रखा है माइनस। ठीक है, वही बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या करूंगा ब्रैकेट सोल्व करूंगा, क्या करूंगा ब्रैकेट सोल्व करूंगा, जब ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो भाई यहां मुझे कितना प्राप्त हो गया 150 प्लस, यहां मुझे कितना प्राप्त हो गया 10 से मैं 130 को भाग दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा 13 प्राप्त होगा, माइनस मुझे क्या करने 50। तो भाई कहने का मतलब 150 में 13 में जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 150 में 13 जोड़ा जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा 163, कितना प्राप्त होगा 163, 163 में से मैं 50 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा
113। कितना प्राप्त होगा? 113। तो इस सवाल का आंसर होगा 113। क्वेश्चन नंबर सात देखो, सात क्वेश्चन नंबर सात में क्या कहना चाह रहा है भाई, के का अर्थ है गुणा, एम का अर्थ है घटाओ, और जे का अर्थ है जोड़, एल का अर्थ क्या दे रखा है? भाग दे रखा है। तो भाई यहां एम का अर्थ क्या दे रखा है? एम का अर्थ दे रखा है घटाओ, तो 44 माइनस 24। के का अर्थ क्या दे रखा है? के का अर्थ दे रखा है गुणा, 56। ठीक है, एल का अर्थ क्या दे रखा है? एल का अर्थ दे रखा है मेरे भाई, इसने दे रखा है भाग, भाग 14। जे का अर्थ क्या दे रखा है? जे का अर्थ दे रखा है इन्होंने जोड़, प्लस 60। सही है, वही बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं क्या सोल्व करूंगा? सबसे पहले मैं भाग, भाग से बाद गुणा, गुणा से बाद जोड़, जोड़ से बाद घटा। तो भाई सबसे पहले मैं भाग दूंगा, 14 के पहाड़े में 56 आता, 14 चौका 56। भाई भाग से बाद में क्या करूंगा? गुणा। भाई 24 चौक कितने होते हैं? 96। कितने होते हैं? 96, 96। तो मुझे एक समीकरण प्राप्त हो गई, 44 माइनस 96 प्लस 60। तो भैया 44 भी हमारा क्या दे रखा? प्लस का दे रखा, और 60 भी क्या दे रखा हमारा? प्लस का दे रखा। जब 44 और 60 में जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 104। क्या प्राप्त होगा मुझे? 104। 104 में से मुझे क्या घटाना है? 96 घटाना है। जब 104 में से मैं 96 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 8 आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? 8 आंसर हो गया। सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है कि माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? भाग दे रखा है। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? घटाओ दे रखा है। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है? जोड़ दे रखा है। और भाग का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा दे रखा है। तो भाई भाग का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा दे रखा है। 4 गुणा क्या दे रखा है? 16। फिर कह रहा है कि गुणा का अर्थ क्या दे रखा है? जोड़ दे रखा है। 16 प्लस क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। फिर कह रहा है कि जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है? जोड़ का अर्थ दे रखा है हमें घटा दे रखा है। भाई 5 माइनस क्या हो गया? 4 हो गया। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है मुझे? क्या दे रखा है? भाग दे रखा है। बराबर क्या आएगा? सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा? भाग करूंगा। जब भाग दूंगा, कहने का मतलब 4 से मुझे किसे भाग देनी है? 4 से भाग, 4 को भाग देनी है 2 से। 2 दूनी कितना हो गया? 4। इससे बाद मैं क्या करूंगा? गुणा करूंगा। 16 चौका कितने होते हैं? 64। तो भाई मुझे एक समीकरण प्राप्त होगी, 64 प्लस 5 माइनस 2। तो भाई भाई क्या करूंगा? अब मैं जोड़ करूंगा। 64 और 5 कितने हो गए? 69। 69 हो गए ना? 69 में से क्या करूंगा मैं? 2 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 67 प्राप्त होगा। सही है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 67 आंसर होगा। आंसर क्या हो गया हमारा? डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? देखो इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो गया? तुम्हारा टाइप चेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो गया? तुम्हारा टाइप चेंज हो गया। अब इसमें क्या हो गया? संतुलित समीकरण ज्ञात करना। कौन सी समीकरण इसमें क्या दे रखी है? सही दे रखी है। अब इसमें क्या कह रहा है? यदि माइनस भाग के लिए, भाग गुणा के लिए, प्लस घटाने के लिए, गुणा योग के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण क्या होगी? सही होगी। सबसे पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे? जितने भी सिग्न दे रखे हैं इन्हें क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। जब जाके मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी समीकरण हमारी, भाई पहली वाली समीकरण में क्या आ रहा? 25 आ रहा सिद्धों का, दूसरी में क्या आ रहा? 15 आ रहा, तीसरी में क्या आ रहा? 28 आ रहा आंसर, और चौथी में कितना आ रहा? 36 आंसर आ रहा। तो देखो इस तरीके के सवाल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई कि भाग का सिग्न जो है वो भाग का सिग्न किस सिग्न को रिप्रेजेंट कर रहा। तो जैसे इसमें कह रहा है माइनस भाग के लिए, माइनस का सिग्न किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा? वो भाग के लिए रिप्रेजेंट कर रहा। भाई माइनस का सिग्न जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? भाग के लिए कर रहा है। अब भाई तुम ये बताओ, अगर माइनस का सिग्न भाग के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं यहां भाग का सिग्न लगा दूं तो क्या तुम भाई 7 से 8 को भाग दे सकते हो? कभी नहीं दे सकते। अगर मैं भाग दूंगा तो सवाल का आंसर क्या आएगा हमारा? पॉइंटो में आएगा। सवाल का आंसर क्या आएगा? पॉइंटो में आएगा। भाई इसका जो सिद्ध होकर आता क्या आता? पॉइंटो में आता। लेकिन ये आंसर क्या दे रखा है? एक परफेक्ट संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? 25 दे रखा, 25। तो कहने का मतलब समीकरण हमारी एक तो हो नहीं सकती। दूसरे में क्या है? माइनस क्या है? भाग के लिए रिप्रदर्शित हो रहा है। माइनस जो है सिग्न हमारा भाग के लिए रिप्रदर्शित हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर माइनस का सिग्न मैं भाग रिप्रेजेंट कर दूं तो भाई मैं 20 को जो है 5 से नॉर्मली क्या कर सकता हूं? भाग दे सकता हूं, दे सकता हूं। तो इस समीकरण को मैं सोल्व कर दूं, समीकरण हमारी क्या हो सकती है? आंसर हमारा क्या हो सकता? सही हो सकता। अब इधर देखो, माइनस का सिग्न जो है किसके लिए रिप्रदर्शित हो रहा है? भाग के लिए। 20 भाग क्या हो गया? 5। फिर कह रहा है कि भाग का सिग्न जो है, भाग का सिग्न हमारा किसके लिए? गुणा के लिए, गुणा 4।
फिर कह रहे हैं कि प्लस का सिग्न जो है हमारा, प्लस का सिग्न जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, घटाने के लिए रखा, माइनस के क्या हो गया, अच्छा हो गया। फिर कह रहे हैं कि गुणा का सिग्न जो दे रखा है वो हमारा किसके लिए दे रखा है, योग के दे रखा है। बराबर सिद्ध होकर कितना आना चाहिए हमारा, 15 आना चाहिए। सिद्ध होकर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं भाग दूंगा, 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। उससे बाद में क्या करूंगा, गुणा करूंगा, 4 चौक कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। भाई 16 भी प्लस का दे रखा और 5 भी यहां क्या दे रखे हैं, प्लस। प्लस प्लस वाले जितने भी डिजिट होंगे आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 16 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, 21। 21 में से मैं 6 घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। सिर्फ एक भाग का ही सिग्न बता देता है समीकरण को कि कौन सी समीकरण क्या होगी हमारी सही होगी। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या दे रखा है, 10 क्वेश्चन 10 भी इसी टाइप का दे रखा है। अब यो देख रहा है कि भाई प्लस का अर्थ क्या है, भाग के लिए। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग के लिए। और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है हमारा, गुणा के लिए। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है हमारा, गुणा के लिए। अब तुम मुझे एक बताओ कि प्लस का अर्थ जो दे रहा हो किसके लिए दे रहा है, भाग के लिए। अगर मैं यहां भाग का सिग्न लगा दूं और यहां मैं माइनस की जगह क्या लगा दूं, गुणा का सिग्न लगा दूं, तो ये समीकरण जो बनेगी हमारी, ये समीकरण बनेगी 5 × 4 × 5/3। यही तो बनेगा भाई। 3 से जो है ना 5 कट रहा है ना 4 कट रहा है, नहीं कट रहे तो पहली समीकरण भी क्या है हमारा, आंसर नहीं हो सकता। सही है। दूसरे वाले में देखूंगा कि भाई कहने का मतलब प्लस का अर्थ जो क्या दे रखा है वो भाग के लिए दे रखा है। प्लस का अर्थ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, भाग के लिए दे रखा है। और माइनस का अर्थ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, गुणा के लिए दे रखा है। तो ये जो समीकरण बनेगी हमारी क्या बनेगी, 46 × 6/4। भाई 2 × 4 हो गया और 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 2 से मैं 46 को काटूंगा तो कितनी बार कट गया, 23 बार कट गया। तो भाई भाग में क्या होता है, भाग का मतलब ये हो कि नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, हर में कुछ नहीं बचना चाहिए, अंश में चाहे कुछ भी बच जाए। तो इसका मतलब दूसरी समीकरण क्या हमारी सही हो सकती है, दूसरी समीकरण क्या हमारी सही हो सकती है। अब इधर देखो तो समीकरण को सोल्व करके देखूंगा, 46 × क्या हो गया, 6। भाग कितना हो गया, 4। अब भाई गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ दे रखा है जोड़। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, जोड़। ठीक है। और भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ दे रखा है भाई हमारा घटाना। 3 बराबर कितना सिद्ध होना चाहिए हमारा, 71 आना चाहिए। तो सबसे पहले भाई कहने का मतलब 2 से मैं इसे काटूंगा, 2 × 4 और 2 × 3 कितना हो गया, 6। भाई 2 से इसे काटूंगा तो कितनी बार डिवाइड हो गया, 2 × 4 और 2 × 3 = 6, 23 बार डिवाइड हो गया। अब तुम मुझे बताओ 23 की और मैं 3 की गुणा करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 कितना हो गया, 6। एक समीकरण प्राप्त होगी, 69 + 5 - कितना हो गया, 3। 69 और 5 कितने हो गए, 74। 74 में से मैं 3 घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 71 प्राप्त हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, प्लस का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है गुणा करना, और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, भाग करना। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, भाग करना। अब तुम मुझे बताओ जहां भी गुणा का अर्थ भाग देना है, अगर गुणा के स्थान में भाग का सिग्न कर दूं तो क्या मैं 34 से 12 को भाग दे सकता हूं, नहीं दे सकता। भाई अगर भाग दूंगा तो सवाल का आंसर क्या आएगा, पॉइंटो में आएगा। लेकिन यहां पॉइंटो में दे रखा है, एक परफेक्ट संख्या दे रखी है, 100 दे रखी है ना। आगे देखूंगा भाई कहने का मतलब प्लस का अर्थ, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, भाग करना। अगर यहां देखो, यहां कहीं कोई गुणा का सिग्न दे रखा पूरी समीकरण में। ठीक है। दूसरी वाली समीकरण में सोल्व करके देखूंगा, 8। भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ है जोड़ना। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा करना। ठीक है। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है सवाल में घटाना। बराबर क्या आना चाहिए, 203। सिद्धों का यही तो आना चाहिए भाई। इधर देखो, वो कह रहे हैं कि भाग का अर्थ जो दे रखा है, भाग का अर्थ दे रखा है जोड़ना। ठीक है। उससे आगे सिग्न है माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा करना। फिर उससे आगे सिग्न दे रखा है प्लस का, प्लस का अर्थ जो दे रखा है वो दे रखा है घटाना। तो सबसे पहले मैं भाग का सिग्न इसमें दे नहीं रखा, मुझे क्या करनी है, गुणा करनी है। जब गुणा करूंगा 44 की और 5 की गुणा करूंगा, 5 × 4 = 20, हासिल लगे कितने, 2। 5 × 4 = 20 कितना हो गया, 22, 220। तो समीकरण मुझे प्राप्त होगी, 8 + 220 - कितना हो गया, 25। तो भाई यहां मुझे कितना हो गया, 228।
228 में से मैं 25 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 203 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब सवाल का आंसर क्या होगा, हमारा बी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहना चाह रहे हैं आप, भाग का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ क्या है भाग करना। गुणा का अर्थ क्या है, भाग करना। देखो इधर देखो, गुणा का अर्थ क्या है, अगर गुणा के सिग्न के स्थान पर मैं भाग का सिग्न लगा दूं तो तुम कहने का मतलब 21 से 19 को भाग नहीं दे सकते। तो पहला तो सवाल का आंसर क्या होगा, हमारा गलत होगा, पहली समीकरण क्या होगी, गलत होगी। दूसरे वाले में देखो कि गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, भाग करना। गुणा का अगर मैं भाग का सिग्न लगा दूं, क्या मैं 5 को 6 से भाग दे सकता हूं, नहीं दे सकता। तो इस सवाल का आंसर दूसरा भी क्या होगा, हमारा गलत होगा। सही है। तीसरे में देखो, तीसरे में क्या दे रखा है भाई, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, भाग। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, भाग। जब गुणा का अर्थ भाग दे रखा, अगर मैं यहां भाग का सिग्न लगाऊं तो कहने का मतलब मैं 6 को 3 से क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो सकता है, सी भी हो सकता, हो सकता है सी, लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते कि आंसर क्या है, हमारा सी है। तो भाई इसकी हम कंफर्मेशन करेंगे तो कहने का मतलब 6 भाग कितना हो गया, 3। प्लस का अर्थ क्या दे रखा, प्लस का अर्थ दे रखा है घटाना, माइनस 12। भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ दे रखा है गुणा, गुणा कितना हो गया, 3। बराबर सिद्धों का क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 3 से 6 को भाग दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3। 3 माइनस 12 गुणा 3, 12 तिया कितना हो गया, 36। 36 3 में से 36 घटाऊंगा तो माइनस के 33 मुझे प्राप्त होंगे, तो सिद्ध कितने होने चाहिए, 21। तो इसका मतलब समीकरण हमारी सी भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा, क्योंकि 3 समीकरण मैं चेक कर चुका हूं, 1 समीकरण मैंने चेक नहीं की, तो वही तो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या कहना चाह रहे हो कि भी अंक तथा चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर समीकरण संतुलित करना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है भाई, कहने का मतलब दो सिग्नों को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना। जहां भी तुम्हें गुणा का सिग्न हो, गुणा के स्थान पर माइनस का सिग्न करना, माइनस के स्थान पर गुणा का सिग्न करना। ठीक है, ऐसी भाग के स्थान पर गुणा का सिग्न करना, गुणा के स्थान पर क्या करना है, भाग का करना। ठीक है, दो सिग्न आपस में क्या करने, इंटरचेंज करने। कोई से दो सिग्न जो इंटरचेंज होकर सिद्ध हमारा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। सिद्ध हमारा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखो अब तक मैं सवाल जो कर रहा था भाग के सिग्न को पकड़ गई तो कर रहा था। तो सबसे पहले भाग के ऑप्शन देख लो, दो ऑप्शन दे रखे हैं हमारा, क्या दे रखा है, एक बी दे रखा है और एक क्या दे रखा है, डी दे रखा है। भाई भाग के स्थान पर क्या करना है, मुझे गुणा का सिग्न लगाना, और गुणा के स्थान पर मुझे क्या लगाना, भाग का सिग्न लगाना। सही है भाई, कहने का मतलब भाग के स्थान पर तो लगाऊंगा मैं गुणा का सिग्न लगाऊंगा, और गुणा के स्थान पर क्या लगाऊंगा मैं, भाग का सिग्न लगाऊंगा। तो क्या मैं 3 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो सवाल का आंसर बी तो होगा नहीं हमारा। सही है, अगर मैं तुमसे कहूं कि कहने का मतलब एक डी ऑप्शन हमारे पास है भाई, प्लस के स्थान पर मुझे क्या लगाना, भाग का सिग्न लगाना, और भाग के स्थान पर मुझे क्या लगाना, प्लस का सिग्न लगाना। जहां भी प्लस का सिग्न दे रखा है वहां क्या लगाना, मुझे भाग का सिग्न लगाना है। और कहने का मतलब जहां भाई, कहने का मतलब भाग का सिग्न दे रखा है वहां क्या लगाना, मुझे प्लस का सिग्न लगाना। तो भाई 7 से मैं 9 को भाग दे सकता हूं, नहीं दे सकता। तो आंसर क्या हमारा, डी भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है डी आंसर, नहीं हो सकता। अब ऑप्शन हमारे पास कितने बचे, दो बचे भाई। एक ऑप्शन क्या बचा हमारा, ए बचा, और एक ऑप्शन क्या बच गया हमारा, सी बच गया। सही है, अब मैं इधर देखूंगा, अब तुम मुझे बताओ पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है। पहले ऑप्शन में दे रखा है कि गुणा के स्थान पर मुझे माइनस का सिग्न लगाना, और माइनस के स्थान पर मुझे क्या लगाना, गुणा का सिग्न लगाना। जहां भी माइनस का सिग्न दे रखा हो वहां किसका सिग्न लगा दो, तुम मल्टीप्लाई का सिग्न लगा दो, और जहां भी कहने का मतलब गुणा का सिग्न दे रखा हो वहां क्या सिग्न लगा दो, माइनस का सिग्न लगा दो। जब समीकरण मैं सोल्व करूंगा तो तुम मुझे बताओ इस तरीके से भी समीकरण क्या नहीं होगी, सोल्व नहीं होगी, क्योंकि एक परफेक्ट आंसर नहीं आएगा हमारा। परफेक्ट आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं 3 से मैं क्या नहीं कर सकता, 7 को भाग नहीं दे सकता, क्योंकि 3 से 7 कट जाता, संख्या कट जाती। अगर यहां किस चीज का सिग्न होता, मल्टीप्लाई का सिग्न होता, अगर 7 नहीं कटता तो कौन कट जाता, 9 कट जाता। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन एक हमारे पास क्या बचा, सी बचा। देखो सी ऑप्शन को मैं देखूंगा, प्लस के स्थान पर मुझे क्या लगाना, गुणा का सिग्न लगाना, और गुणा के स्थान पर क्या लगाना, मुझे प्लस का सिग्न लगाना। तो ऐसे भाई देखूंगा, 9 प्लस के स्थान पर मुझे क्या लगाना, गुणा का सिग्न, 9 गुणा क्या हो गया, 7 भाग 3। भाई गुणा के स्थान पर क्या लगाना, मुझे प्लस का सिग्न लगाना, प्लस 2।
माइनस 22 बराबर सिद्ध क्या करना है मुझे, एक सिद्ध करना। अब तुम मुझे बताओ भाई, जब इस समीकरण को मैं सोल्व करूंगा तो 9 × 7 / 3, जब 3 से भाग दूंगा तो 7 नहीं कटेगा तो कौन कटेगा, 3 कटेगा, ठीक है। 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए, और 7 तिया कितने हो गया, 21। 7 तिया कितना हो गया, 21। 21 प्लस 2 माइनस 22, 21 और 2 कितने हो गए, 23। 23 में से मैं 22 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, सी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है वो, कि भाग को भाई मल्टीप्लाई से चेंज करना। अब पहले वाले ऑप्शन में देखूंगा, जब पहले वाले ऑप्शन में जहां भी गुणा का सिग्न लग रहा है वहां तो मैं काय का सिग्न लगाना, भाग का सिग्न लगाना, और जहां भी भाग का सिग्न लग रहा है वहां मुझे काय का सिग्न लगाना, गुणा का सिग्न लगाना। अब तुम मुझे एक बार बताओ, 4 को मैं 14 से भाग दे सकता हूं, दे सकता हूं, लेकिन सवाल का आंसर जो आएगा हमारा किसमें आएगा, पॉइंटों में आएगा, आएगा नहीं पॉइंटों में, तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या सही होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में देखता हूं, दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, जहां भी भाग का सिग्न है वहां तुम्हें क्या लगाना, माइनस का सिग्न लगाना, जहां भी भाग का सिग्न दे रखा है वहां क्या लगाना, तुम्हें माइनस का सिग्न लगाना, और जो कहने का मतलब जहां भी माइनस की जगह मैंने क्या लगा दिया, भाग का सिग्न लगा दिया, और जहां भी माइनस का सिग्न दे रखा है वहां क्या देना, भाग का सिग्न लगाना, ठीक है। गुणा 14 माइनस 2 बराबर सिद्ध मुझे क्या करना है, 59 सिद्ध करना है, सही है। तो भाई कहने का मतलब 16 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। भाई 14 चौका कितने होते हैं, 14 चौका 56, तो एक समीकरण मुझे प्राप्त होगी, 5 प्लस 56 माइनस 2 बराबर कितना आएगा। अब तुम मुझे बताओ 56 और 5 मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 61। 61 में से 2 घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 59 प्राप्त हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो दे रखा है, प्लस को गुणा से परिवर्तित करें, गुणा को प्लस से परिवर्तित करें, माइनस को प्लस से परिवर्तित करें, प्लस को माइनस से परिवर्तित करें, सही है। अब इसमें क्या था, इसमें तुम कर रहे होगे कि कहने का मतलब दोनों सिग्नों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, ये तो कर रहे होगे कि दोनों सिग्नों को आपस में इंटरचेंज कर रहे होगे, लेकिन इसमें एक ही को क्या करवा रहा है, इंटरचेंज करवा रहा है। वो कह रहा है कि प्लस को जहां भी प्लस है वहां तुम्हें काय का सिग्न लगाना, गुणा का सिग्न लगाना, जहां भी प्लस का सिग्न है वहां तुम्हें क्या लगाना, गुणा का सिग्न लगाना, तो मुझे यहां क्या लगाना है, गुणा का सिग्न लगाना। तो एक समीकरण मुझे प्राप्त हो जाएगी, 28 माइनस 7 गुणा 2 बराबर मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या करूंगा, भाग, भाग से बाद में क्या करूंगा, गुणा। तो 7 दुनी 14, 14 दुनी कितना हो गया, 28, 28 में से 28 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहना चाह रहा है, कौन बताएगा इस सवाल का आंसर, क्या आंसर आएगा, 10 आंसर आएगा। देखो इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें यह करना है कि 6 और 2 जोड़ो, 6 और 2 कितने हो गए, 8 में से 4 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। जो पहला संख्या दे रखी हो, लास्ट वाली संख्या दे रखी हो, आपस में क्या करनी है, जोड़नी है। पहली और लास्ट वाली संख्या जोड़ के जो कहने का मतलब बीच वाली संख्या, ये क्या करना है, इसमें से घटानी है। ऐसी 9 और 7 कितने होते हैं, 16। 16 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। ऐसी 6 और 4 कितने हो गए, 10। 10 में से मैं 7 घटाऊंगा मुझे क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, सही है। ऐसी 9 और 8 कितने हो गए, 16। 16 में से मुझे क्या घटाना है, 7। 16 में से मुझे क्या घटा, सॉरी 17 होगा। 9 और 8 कितने हो गए, 17। 9 और 8 17, 17 में से मैं क्या घटाऊंगा, 7 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन बताएगा, ए। अच्छा कोई बताएगा क्या लॉजिक लगा है इसमें, पहली दो संख्या जोड़ के लास्ट वाली संख्या क्या करनी है, घटानी है। पहली दो संख्या जोड़ के, भाई पहली दो संख्या क्या दे रखी है, 8 प्लस 7 माइनस 9। 8 और 7 कितने हो गए, 8 और 7 कितने हो गए, ये लॉजिक तो नहीं लगेगा इसमें, बताओ क्या लॉजिक लगेगा,
देखो इस लास्ट देखो एक संख्या दे रखी है तुम्हें 879 बराबर किससे रिप्रेजेंट कर रहा है 8 से कर रहा है। अगर तुम मुझे बताओ लास्ट की अगर मैं दोनों संख्या जोड़ दूं, अगर लास्ट की दोनों संख्या जोड़ लूं कि 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 में से मैं 8 घटा दूं तो उनमें 8 ही तो प्राप्त हो जाएगा, सही है। लास्ट की अगर दोनों संख्या में जोड़ दूं 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 में से मैं 6 घटा दूं तो मुझे 1 प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसी भाई 8 और 6 में जोड़ूं 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 में से मैं 5 घटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा 9 प्राप्त हो जाएगा, सही है। ऐसी 8 और 5, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 में से मैं 7 घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 6 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ क्या लॉजिक लगेगा, ये पीछे जो बच्चे बैठे हैं ये बताओ आंसर क्या लगेगा। सी आंसर आएगा, देखो इसमें क्या दे रखा है 841 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किससे कर रहा है 3 से रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। अगर दूसरी संख्या से भाई 4 से मैं 8 को डिवाइड करूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। ऐसी भाई 3 से मैं 6 को डिवाइड करूं तो मुझे 3 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 3, लेकिन यहां 3 और 3 कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, ये लॉजिक तो क्या हो गया तुम्हारा फेल हो गया। बताओ क्या लॉजिक लगेगा, हाँ भाई पीछे जो बैठे हो यार कुछ तो बता दे करो। देखो यहां क्या होगा, अगर मैं कहने का मतलब 3 से 6 को डिवाइड करूं तो 3 थोड़ी प्राप्त होगा, मुझे कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा, 3 दूनी 6, 2 प्लस 3 बराबर मुझे क्या प्राप्त हो गया 5। ऐसी 425 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किससे कर रहा है 7 से कर रहा है। भाई 2 से मैं किसे डिवाइड करूंगा 4 को डिवाइड करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 प्लस 5 बराबर मुझे क्या प्राप्त हो गया 7। ऐसी भाई कहने का मतलब 217 को मुझे किस संख्या से रिप्रेजेंट करना, भाई 1 से मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा 2 ही प्राप्त होगा, 2 और 7 कितने हो गए 9, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 9 आएगा, इस सवाल का आंसर क्या आएगा 9, सही है। आज क्लास यहीं विराम देते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है।